सौ साल में जो नहीं हो सका था वो इस साल जनवरी में हुआ है। चारों तरफ बहुत उत्साह है, बहुत पॉजिटिविटी है। As the Lok Sabha elections continues across the 543 seats in India, the dazzling presence of Bollywood and television stars has always been a hallmark in Indian elections. Arun Govil, a legendary name in the television history, has now made a dynamic entry into politics. The Bharatiya Janata Party proudly fielded Arun Govil, renowned for his iconic portrayal of Lord Ram in Ramanand Sagar's epic drama Ramayana, from the Meerut Lok Sabha seat in Western Uttar Pradesh. Mr. Govil, who embraced the BJP in 2021, hails from Meerut and steps in to replace the party's incumbent MP Rajendra Agarwal. Now, as the elections wrapped up in Meerut nearly a month ago, Mr. Govil has emerged as a star campaigner for the BJP. Recently, Arun Govil was seen in the electrifying crowds of Tamluk, West Bengal, campaigning passionately for the BJP candidate Abhijit Ganguly. Our on-ground reporter had the privilege of having an exclusive chat with Arun Govil to get his vibrant insight on what to expect on 4th of June. BJP ka mahol bahut acha hai aur bahut acha lag raha hai, sabhi mein bahut utsaah hai. इस बार बीजेपी जो बोल रहे हैं, उन्होंने प्रतिश्रुति रखा है कि भव्य राम मंदिर हुआ है. आप भी वहां पे थे, आप रामायण का रामचंद्र जो एक ऐतिहासिक जो आपका अभिनय सबको, हम छोटे से सबको देखता हूं आपका रामचंद्र का अभिनय, तो भव्य राम मंदिर हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ है. 500 साल में जो नहीं हो सका था वो इस साल जनवरी में हुआ है. चारों तरफ बहुत उत्साह है, बहुत पॉजिटिविटी है. और आपने रामायण में निभाया था राम का चरित्र, आपके करियर में वो जो आपने तो बहुत सारे अभिनय किए हैं, बहुत सारे फिल्म में, वो जो रामायण आपके करियर में, रामायण के बारे में कुछ कही? मेरे करियर में रामायण का योगदान सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा नहीं, मेरा पूरा करियर जो है वो रामायण. और ये जो बंगाल में जो स्थिति है, अमित शाह जी ने बताया कि 34-30 आसन अगर होता तो 2024 में भी इलेक्शन होगा, तो यहाँ पे जो बहुत सारे ममता बनर्जी वो जो रामकृष्ण मिशन के बारे में कुछ बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? सनातन हिंदू के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तो उन लोगों के बयान जो है वो आपको उन्हीं से क्लैरिफाई करने पड़ेंगे. उन लोगों के बयान पे मैं अपना कोई रिएक्शन नहीं देना चाहूंगा. मोदी जी ने 400 पार का डाक दिया है, 400 पार, क्या बोलना चाहेंगे? जरूर पूरा होगा. सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट.